बहुत खूबसूरत है। हाथ नहीं लगाना मेरी शिवांगी को। जो पूछने से पहले कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रही है। ठकराल की जहरीली भूख काफी है तेरी जिंदगी में अंधेरा करने के लिए। ना 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 ठकराल साहब ना, काम हो जाने के बाद और फिर इसकी चिता जलाकर ही तो हमने अपना घर रोशन करना है। चल 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 यहाँ क्यों लाए नेटवर्क। ओहो ठकराल साहब ये चिल्लाता बहुत है, इसके हाथों के साथ साथ इसका मुंह भी बंद कर देना चाहिए था। हाँ काट देते इसकी जुबान। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए। हाँ, तुम्हारी यही दुखती रख मैं कब से पकड़ना चाहता था अर्जुन सिंह। तुम अपने बेटे की खरीद चाहते हो ना। हाँ। तो ये लो इस कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत कर दो ताकि तुम्हारी 200 करोड़ की जायदाद हमारी हो जाए। नटवर मेरा सोना कहाँ है। ठकराल साहब एक ही पत्थर से दो पंछियों का शिकार किया है मैंने। आशुतोष की ही जान बचाने के लिए राधा और मनु आपका सोना लाते ही होंगे। बस नटवर अगर मेरा सोना मुझे नहीं मिला तो ठकराल का सोना हजम करने वाले को ठकराल की गोलियां खानी पड़ती हैं। सोना तो क्या, ठकराल के मुंह की बात भी छीनने वाले को ठकराल की गोलियां खानी पड़ती हैं बिना पानी के। मेरा सोना कहाँ है नटवर। जल्दी जल्दी बहुत जल्दी आपका सोना आपको मिल जाएगा ठकराल साहब, लेकिन उससे पहले इस कागज पर इस आरामजादे का कलम किसवाते। चलो दस्तखत करो। आप साइन मत करना डैडी। चुप। देखो खामोशी से इस कागज पर दस्तखत कर दो वरना मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का वो हश्र करूंगा जो ना कभी तुमने सोचा होगा और ना कभी देखा होगा। चलो कर दो दस्तखत। नहीं डैडी नहीं, ये ऐसे नहीं मारेगा। साइन मत करना डैडी। नहीं 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 गोली रुक जा रुक जा, मैं साइन करता हूँ। हाय चाचू। हम आ गए। इंस्पेक्टर शिवांगी मेरा हमें सोना ले जाने से रोकना चाहती थी लेकिन ये हमें क्या पकड़ती, हम भी सर पे खबन बांध कर निकले थे, खुद ही पकड़ी गई। और मेरा सोना। चाचू आपका काम हो गया। हाँ? अर्जुन सिंह जी को ले जाना से। लेकिन चाचू चाचू प्लान के मुताबिक सारा सोना आपके गोदाम में रख दिया है। क्या बाजू बाजू चाचू पूरे 50 करोड़ का सोना है। हाँ चाचू हमें हमारा हिस्सा दे दो, हमारी शादी हो जाएगी। तुम्हारा हिस्सा तो तुम्हें मिल जाएगा, पहले ये बताओ कि सोना है कहाँ। नटवर ठकराल से दगाबाजी कमीने, तूने मेरा सोना चुराया है। ठकराल का सोना हजम करने वाले को ठकराल। बात हो गया ठकराल साहब, बार बार आप यही कहते हैं, अब आप मेरी बात सुनेंगे। ये इनकी एक चाल है। हाँ ये सिर्फ इनकी एक चाल है। ये सब के सब आपके हाथों मुझे मरवाना चाहते हैं। इस इंस्पेक्टर जी को गौर से देखिए और फिर ये तमाम तस्वीरें देखिए जिनसे आशिक ने अपनी मोहब्बत का ये ताजमहल बनाया है। ये वही लड़की है, ये इनसे मिली हुई है। गौर से देखिए इस लड़की को, आप गौर से देखिए, ये इनकी एक साजिश है। तुमने मेरी मोहब्बत की आंखें खोलकर वो काम किया जो मैं कभी कर नहीं सकता था। अरे अब कौन मरना चाहता है, अब तो मैं जीना चाहता हूं अपनी जान के साथ। तुमने चाह और हो गया। जरा देखो अपनी चारों तरफ, देखो जरा सी जुम्बिश और ठकराल की गोली तुम्हारी खोपड़ी में। अगर आशुतोष पर किसी ने निशाना भी लगाया तो ठकराल का भेजा उसकी खोपड़ी के बाहर होगा। रुक जाओ रुक जाओ, वरना ये दोनों अपनी जान खो बैठेंगे। हाँ, हाँ। हमें बचाओ। नटवर छोड़ दो, नटवर खत्म कर दो। नहीं पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। डाकू गंगा प्रसाद वल जमुना प्रसाद चौधरी,
अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डाकू गंगा प्रसाद भाई, जमुना प्रसाद चौधरी। ये कौन है? मैं हूँ। हाँ, मैं हूँ डाकू गंगा प्रसाद वल्द जमुना प्रसाद चौधरी। और किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। नहीं नहीं जी, ये क्या कर रहे हैं जमुना जी? मैं तो बिल्कुल आपकी तरह चोर चक्का और बदमाश हूँ, और फिर सारी दुनिया जानती है कि मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। तुम शरीफ नहीं हो? ना जी ना, मेरी शक्ल देखिए, मैं कोई शरीफ लगता हूँ? मैं तो बिल्कुल 420 लगता हूँ, 420। हाँ, तुम तो शक्ल से ही खानदानी घटिया आदमी लगते हो। जी। और ये लाल लंगोट वाला जी, ये तो मुझसे भी ज्यादा कमीने और गए गुजरे हैं, मेरे गुरु ही है। कमाल है, वहाँ SP लाखन सिंह वल्द माखन सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और यहाँ कोई भी शरीफ आदमी नहीं है जिसे मैं बंदी बनाकर निकल जाऊँ। है क्यों नहीं, मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, इंस्पेक्टर शिवांगी हैं, वो तो बच्चे हैं। तब तो मेरा मिशन कामयाब, इन बच्चों को छोड़ दो। तुम बाहर आते हो या मैं अंदर आऊं डाकू गंगा प्रसाद? अगर तुमने सचमुच अपनी माँ का दूध पिया है तो आ जाओ अंदर। नो शूट, नो माँ का दूध, मैं लाया हूँ बाप का बारूद। सी डायनामाइट, अगर तुम मुझ पर गोली चलाओगे तो मैं एक बॉम्ब जैसा धड़ाम ब्लास्ट, और मेरे साथ तुम सब लोग धड़ाम ब्लास्ट। ओ तेरी ते, बी क्वाइट, अपने अपने हथियार फेंक दो, थ्रो। सब लोग इधर चलो, ए तुम इधर चलो, चलो चलो चलो। ये वायर क्या है? ये तूने क्या किया राधा डॉक्टर? सामने तुम करो हवालदार रोहन सिंह। बच्चे मनु और राधा को मारने की कोशिश कर रहा था। गद्दार, मनोहर और राधा, तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इस कोरे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत किए देते हैं, तुम्हें जो तोहफा चाहिए इस पर लिख लो। सच? हाँ सच।
एकदम से अमीर होने का इससे बड़ा मौका मिल ही क्या सकता है? आपकी तमाम दौलत का हिसाब है हमारे पास। आपकी 6 फैक्ट्रियों में से 4 हम रख लेते हैं, 4 गाड़ियां, 2 आप रख लीजिए, 5 होटल, 3 हमारे, 2 बंगले, 1-1 और 1 टी एस्टेट हम ही रख लेते हैं। हाँ। और आपका तमाम बैंक बैलेंस और नकद ये लीजिए, और जल्दबाजी में अगर हम कुछ भूल गए हो तो वो भी लिख दीजिएगा। हमें पता था तुम कुछ ऐसी हरकत करोगे, तुम जैसे नौजवानों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लो बेटे पढ़ो इसे, और इतनी जोर से पढ़ो कि दुनिया के हर अर्जुन सिंह को सुनाई दे। हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए अर्जुन सिंह जी, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आशुतोष का हाथ शिवांगी के हाथ में दे दीजिए, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं मिलेंगे तो हम दोनों भी शादी नहीं करेंगे। आशुतोष बेटे, शिवांगी मन्ना आशुतोष के पिताजी तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं जानती हूँ। वो टूट सकते हैं मगर झुकेंगे नहीं। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटी। तुम ठीक कहती हो सुमन, मैं शिवांगी से माफी नहीं मांग सकता। मैंने अपने घर की लक्ष्मी का अपमान किया है, जिन हाथों से मैंने वो खत बदलने का पाप किया है, उन्हीं हाथों से मैं उसके पैर नहीं छू सकता। बाबूजी, आपके हाथों की जगह हमारे पैरों पर नहीं, हमारे सर पर है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो लोग पूछते हैं क्यों लेट आया। आपको तुम्हें शिवांगी की तस्वीर रखने की कोई जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, अब इस घर में सिर्फ एक ही पतला होगा वो।